ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, ओके, यस सर। चलो। तो एक बिफोर गोइंग टू थियरी पार्ट, नो विल मोस्टली कवरिंग थियरी पार्ट टुडे, और इसके बाद हम लोग कुछ इसके बाद का हमारा एजेंडा ऐसे रहेगा कि विल ट्राई टू फिगर, मतलब विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन फीचर्स ऑफ ग्लू एज अ इंडिविजुअल फीचर। उसके बाद हम लोग ना एक होलिस्टिक डेमो करेंगे, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स यूटिलिटी इन ईटीएल इज, ठीक है। तो जस्ट बिफोर दैट वील हैव अ लुक एट कंसोल। ओके, इफ यू गो टू AWS ग्लू, इट विल लुक लाइक दिस। या सो दिस इज इट्स इंटरफेस वेर यू हैव ऑप्शन टू गो टू इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। And just before starting to that, I have provided the sources on group today. Have you gone through the sources? References, I have provided certain YouTube channels and I have provided a website also, AWS workshop, and documentation is there, everyone knows. So have you guys tried to open AWS workshops? And anyone who has just opened it up and tried to search for any workshop in particular? यस सर, या यस। किसने? हाँ बोलो, मतलब अनम्यूट करके बोलो। क्या हाँ सर, प्राची हियर। मैंने वो वर्कशॉप को ओपन करके देखा था। वो हाँ उसमें लेवल वगैरह 300 वगैरह लेवल है, IME की भी है, EC2 के भी इंस्टेंस है, इंस्टेंस के भी है, स्पॉट इंस्टेंस के भी है। तो उसमें मुझे एक समझ में नहीं आया कि अभी तक 4 सर्विसेज कंप्लीट हो चुके हैं, मीन्स अथेना को पकड़ के। सो पर्टिकुलरली वो सेपरेट सेपरेट नहीं है, मीन्स एक IM के नहीं है, किसी के नहीं है, तो S3 के वगैरह ऐसे सेपरेट सेपरेट नहीं है। तो कैसे चूज करना है वो वर्कशॉप? ठीक है। तो IAM, EC2 एंड S3 आर सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। उसका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, इट कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन पर्पस टू यू, ठीक है। तो आप अथेना का वर्कशॉप मिलेगा शायद आपको, और हम लोग जब अभी ग्लू लेने वाले हैं, EMR लेने वाले हैं, दीज आर द मेन सर्विसेज दैट, व्हाट डू यू से दैट, मतलब ये सॉर्ट ऑफ कॉर्नर स्टोन है आपके एप्लीकेशन का, ETL पाइपलाइन का ये हार्ट है, ठीक है। तो इसके बिना बाकी वो सप्लीमेंट्री रोल है, IAM का फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए सपोर्टिंग रोल है। EC2, टू बी ऑनेस्ट, EMR में एज ए इंस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ग्लू में तो हमें वो एज इट इज अ मैनेज सर्विस, वी डोंट ऑल्सो नो विच EC2 इंस्टेंस आर प्रोविजन इन बैकग्राउंड। ओके, EC2 हैज नो सिग्निफिकेंस इन ग्लू एज सच। S3 फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, सो उसके वर्कशॉप्स दिए नहीं है AWS वर्कशॉप में। आई एम नॉट श्योर दिए है या नहीं, लेकिन अगर नहीं दिए है तो दैट इज द रीजन। एंड आई नो दैट इट हैज ग्लू वर्कशॉप, EMR वर्कशॉप, आई कैन शो यू ऑल्सो, वी कैन सर्च इट हियर, ठीक है। गो हियर इन वर्कशॉप, सर्च फॉर ग्लू, या यू विल सी मेनी रिकमेंडेशन। ओके, यू वॉन्ट सर्टन हैंड्स ऑन थिंग, देन यू कैन चूज दिस AWS ग्लू हैंड्स ऑन लैब्स। ओके, आई डोंट नो विच पर्टिकुलर वर्कशॉप टू लुक फॉर, जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए यूजफुल है। कैसे देखना है? जाके अंदर देख लो, कॉन्टेंट्स बाजू में आता है यहाँ पे। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, ट्राई टू परफॉर्म इट, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस कि क्या है इसमें, वर्किंग विद कैटलॉग एंड ऑल। यस, मतलब अभी के लिए तो ग्लू समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन ग्लू होने के बाद आप देख सकते हो, राइट? ठीक है, विल सर्च फॉर अथेना ऑल्सो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Does anybody know how to minimize this thing? Yes, we'll say this thing इधर देना है, क्या देखते हैं? या यू दिस थिंग, यस यस, अथेना तो है प्राची, आपने देखा नहीं क्या? हाँ सर, मैंने वो अथेना और
ग्लू का एक साथ देखा था एक्चुअली, मींस बहुत स्क्रॉल करने के बाद शायद वो मिस हो गया, शायद नहीं सर्च नहीं किया क्या आपने सर्च, डायरेक्टली? मैं डायरेक्ट वहां पे आपने जैसा किया ना, दैट आई डोंट नो, मैं स्क्रॉल करके देख रही थी, सो इट्स मे बी मिस आउट फ्रॉम मी। उसमें आईएम का भी है सर एक बॉडी सर हाँ ना, वो सर कप आईएम में। का हाँ सेपरेट है, आईएम का है, आपने बोला था ना नहीं है। हाँ आईएम का सेपरेट है, बट S3 का मुझे कंबाइन में दिखा एक्चुअली। ओके हाँ ठीक है। मतलब आप देखो ये मैं ये पर्टिकुलर कौन सा वर्कशॉप करना है ये तो नहीं बताऊंगा यार, मैंने सारे थोड़ी ट्राई किए हैं ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज, दिस इज ऑप्शनल थिंग। आई एम जस्ट जस्ट मेकिंग यू अवेयर दैट देयर इज वन ऑप्शन दैट एज AWS हैज ठीक है। तो आपको अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपको कोई हैंड ऑन करना है, यू कैन रेफर टू दिस ऑप्शन ठीक है। अभी मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा किस YouTube चैनल का कौन सा वीडियो देखना है राइट, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ठीक है। तो आपको क्या चाहिए चीज उससे यू विल फिगर इट आउट राइट। सही बोल रहा हूँ क्या मैं गाइस? यस सर, यस यस सर यस सर, यस सर, आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर एक्चुअली रहे हो कि हर YouTube चैनल का मैं वीडियो रिकमेंडेशन भी दूँ। आई ट्राई इट ऑन माई ओन ऑल्सो ठीक है, कि कुछ चीजें आपको अगर रिकमेंड करनी है तो मैं करूंगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करो कि जितना दिया है उतना ही करना है। जस्ट एक्सप्लोर दिस चैनल्स नो ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है बस किस चीज में क्या, कुछ एडिशनल चीज भी पढ़ लोगे आप वहां पे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है डेमोन्स्ट्रेशंस है, यू विल फाइंड समथिंग यूजफुल देयर ठीक है। तो इतना मतलब स्पून फीडिंग के ये मत हो जाओ ठीक है। मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत स्पून फिट कर रहा हूँ ऐसे ठीक है, क्योंकि ये नोट्स वगैरह लिख के देना, टॉपिक्स लिख के देना, दिस इज स्पून फीडिंग ओनली, बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट योर प्रिपरेशन, नॉट जस्ट लिमिट योर प्रिपरेशन ठीक है। तो ये एक फैसिलिटेट करने का एक मैकेनिज्म है, जस्ट डोंट लिमिट टू दिस ठीक है, लिमिट टू दिस टॉपिक्स बट नॉट जस्ट पॉइंट्स ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर यस मेरी सर, डिफरेंट यस सर, साउंड, यस सर, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर ठीक है। चलो तो AWS वर्कशॉप्स देख लो, कुछ यूजफुल लगता है तो ट्राई टू परफॉर्म इट एंड जस्ट प्ले अराउंड विद इट ठीक है। और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब चीजें आनी चाहिए इसमें, बहुत चीजें यूजलेस रहती है यहाँ पे ठीक है। जस्ट यू यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट टू पिक एंड व्हाट नॉट ठीक है। इससे क्या होगा पता है क्या? आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी टू सर्च ऑन वेब ऑल्सो फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस। आप ऑफिस में काम करने जाओगे सब चीजें तो खुद को आएगी नहीं, हम सर्च करेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, स्टैक ओवरफ्लो की हेल्प लेंगे, कहीं पे कुछ देखेंगे कि किसी गिटहब रिपोजिटरी में कुछ मिलता है क्या ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ठीक है, दैट आई एक्सपेक्ट। चलो मूविंग ऑन, सो लेट्स स्टार्ट विद गिविंग योर टूर टू AWS ग्लू कंसोल ओके। चलो ये ग्लू का कंसोल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये है आपके क्विक ऑप्शंस है, मेन तो पार्ट यहाँ पे डेटा कैटलॉग है और डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL है। एज यू कैन सी यू हैव ऑल द ऑप्शंस इनसाइड दिस, ये क्विक एक्सेस ऑप्शन है बस ऊपर की ठीक है। सो हमें ना ये दो चीजें पढ़नी है, डेटा कैटलॉग के सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट एंड डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL। तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर देयर, डेटाबेसेस, टेबल्स, स्कीमा, रजिस्ट्रीज, कनेक्शंस, क्रॉलर्स, ये सब ऑप्शंस है डेटा कैटलॉग में। डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL में है ये ETL जॉब, मतलब आपके ग्लू जॉब्स, इसके बहुत सारे ऑप्शंस है, हम लोग जब देखेंगे व्हाट आर द ऑप्शंस वो देखेंगे हम लोग। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस इंटरेक्टिव सेशंस पार्ट, दिस इज अ न्यू फीचर दैट हैज बीन एडेड आई गेस। डेटा क्लासिफिकेशन टूल्स वगैरह अभी के लिए यूजलेस है, बहुत ज्यादा नेटिव स्टेज में है ये अभी। जैसे डेटा ब्रू भी एक ऑप्शन है ग्लू में, वो भी बहुत ज्यादा नेटिव स्टेज में है अभी 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 लॉन्च हुआ है, नोबडी हैज अडैप्टेड टू इट ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे उसको ब्रीफ में।
बाद में ट्रिगर्स है, वर्क फ्लोज है, ठीक है। तो दिस इज ठीक है, ये आपका हो गया टू। ओके जस्ट गिव मी सेकेंड। सो यू हैव मेनी ऑप्शंस। ओके हियर, सो विल गो टू द थियरी फर्स्ट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस ऑप्शंस एंड ऑल, ठीक है। ओके, व्हाट इज ग्लू? अब तक जितनी बार मैंने ग्लू की बात की है या फिर ईएमआर की बात की है, आपको क्या समझा है इससे? ये बिना पढ़े बताओ बस, कि आपको कुछ समझा है मैंने जो अब तक ग्लू या ईएमआर की कभी बात की है उससे? कुछ भी गलत हो सकती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉट एन इश्यू। इट इज यूज्ड फॉर द ईटीएल, इट इज ईटीएल टूल या ग्लू. ईएमआर भी ईटीएल टूल है? यस, ईएमआर भी ईटीएल टूल है? नॉट श्योर अबाउट इट, बट ग्लू इज ईटीएल टूल. या ग्लू इज ईटीएल टूल। ईएमआर में ट्रांसफॉर्म्स करते हैं हम लोग स्पार्क सबमिट करके, ठीक है। तो एक एंड टू एंड ईटीएल सर्विस यहाँ पे ग्लू ही है हमारी। अथेना, यू कैन से अथेना कैन बी यूज्ड एज ईटीएल सर्विस, बट इट डजंट हैव एक्सट्रैक्शन पार्ट। यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ ग्लू फॉर स्कीमा डिस्कवरी एंड ऑल। तो ग्लू ही एक ऐसी सर्विस है एडब्ल्यूएस में जो पूरी ईटीएल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो व्हाट इज ग्लू? ग्लू इज अ सर्वरलेस डेटा इंटीग्रेशन एंड ईटीएल सर्विस, ठीक है। सो सर्वरलेस समझ में आया क्या? लास्ट टाइम हमने सर्वरलेस के बारे में बात की। डू आई नीड टू डिस्कस इट फर्दर? अगर नहीं है तो कोई बस समझाओ पूरे क्लास को क्या होता है सर्वरलेस। कोई कोई इट डजेंट हैव एनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. इट डज हैव, सो कैन यू क्लैरिफाई, मतलब क्या बोलना चाहते हो? सर्वरलेस मतलब क्या है? देर इज वन मोस्टली वर्ड, या द यूजर इज नॉट मींस ही डज नॉट हैव टू लुक आफ्टर द इंफ्रा. इंस्टेड द अथेना सर्विस has its own infra handled out and just reaches out to user for query service. राइट राइट राइट। एक कीवर्ड याद रखना, प्रोविजनिंग। Provisioning. यस, प्रोविजनिंग कीवर्ड याद रखना। इसमें प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है, मतलब हमें प्रोविजन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये जो सर्विसेज जिसको प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है हमारे एंड से, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट इन द बैकग्राउंड इज टेकन केयर बाय एडब्ल्यूएस, उसको हम लोग सर्वरलेस बोलते हैं। जैसे ईएमआर, नॉर्मल ईएमआर एक प्रोविजन सर्विस है, लेकिन ईएमआर का सर्वरलेस जो ऑप्शन है उसमें हमें बहुत मिनिमम इनपुट देने पड़ते हैं। एडब्ल्यूएस टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स एल्गोरिदम्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर कॉम्प्यूट नीड, व्हाट आर योर स्टोरेज नीड्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर जॉब्स, ठीक है। तो सर्वरलेस का ये मतलब है, इट डजेंट मीन कि आप लोग को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। यू आर मिनिमाइजिंग द प्रोविजनिंग पार्ट, नॉट एलिमिनेटिंग इट। ये समझ में आया सबको? यू आर मिनिमाइजिंग, यस सर. ठीक है। हाँ, तो ये सर्वरलेस डेटा इंटीग्रेशन एंड डिटेल सर्विस है। सो व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? मेक्स डिस्कवरिंग, प्रिपेयरिंग एंड कंबाइनिंग डेटा फॉर डेटा एनालिसिस, एमएल एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिंपल। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज डिस्कवरिंग, प्रिपेयरिंग एंड कंबाइनिंग? ये तीन कीवर्ड है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्लू कर देते हैं हम लोग। डिस्कवरिंग मतलब आपका जो क्रॉलर का काम है ग्लू में, स्कीमा डिस्कवरी, ये हो गया डिस्कवरिंग पार्ट। प्रिपेयरिंग मतलब क्या होगा? मेकिंग डेटाबेस, मेकिंग टेबल फॉर इट टू अप्लाई ट्रांसफॉर्म, फॉर जस्ट प्रिपेयरिंग इट टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन, ठीक है। आपका एस3 में डेटा पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्रॉल करके डिस्कवर करेंगे उसका स्कीमा, उसको टेबल बनाएंगे, लॉजिकल टेबल्स, उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। इन केस ऑफ इफ वी आर क्रॉलिंग मल्टीपल टेबल्स एंड वी वांट टू जॉइन टू टेबल्स एंड कंबाइन द डेटा सेट एंड राइट इट इनटू S3, दैट पार्ट इज कंबाइनिंग, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हम लोग ETL यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर क्या बोलना चाहता हूं मैं डिस्कवरिंग, प्रिपेयरिंग, कंबाइनिंग में? यस अगर सर. आपको ETL समझ में आता है तो ये ETL कवर कर रहा है या नहीं तीनों चीजें? यस, इट इज कवरिंग. वर्ड्स, या राइट, इट इज एबल टू कवर ऑल थ्री पार्ट्स,
या यस यस ओके कैन यू कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ इट इज कवरिंग ऑल थ्री पार्ट्स जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सर सर लोडिंग कैसे मतलब यस राइट राइट ठीक है मतलब यहाँ पे लोडिंग नहीं है ना लेकिन ये इम्प्लिसिट है राइट कंबाइन करके कहीं पे रिजल्ट स्टोर करोगे राइट तो वो लोडिंग में समझ लो ना ठीक है हाँ ओके मतलब कंबाइन करके वापस से S3 में स्टोर यस करना है। यस S3 में भी स्टोर करोगे वो ETL ही हो जाएगा ठीक है हमने देखा ना लोडिंग इज नॉट जस्ट लोडिंग द डेटा इनटू डेटा वेयर हाउस इट कैन बी डेटा लेक इट कैन बी अ डेटा बेस एनीवेयर ठीक है लोडिंग डजेंट नेसेसरली इन्वॉल्व डेटा वेयर हाउस एवरी टाइम ये क्लियर है ना मतलब आपका ये डाउट था क्या हम लोग रेड शिफ्ट में कैसे इसको लोड कर रहे हैं यहाँ से राइट यस एक्चुअली मतलब आप बोल रहे थे ना कि तीनों कैसे कवर कर रहे हैं, तो यस एक्सट्रैक्शन को कवर कर रहे हैं वो डिस्कवरिंग से हो जा रहा है, राइट रिपेयरिंग तो ट्रांसफॉर्मेशन वो भी हो रहा है, तो राइट लोडिंग नहीं समझ रहा था वो। कंबाइनिंग प्रिपेयरिंग एंड कंबाइनिंग में ट्रांसफॉर्मेशन कवर हो रहा है हाँ हाँ एक्सप्लिसिट नहीं है यहाँ पे लेकिन यस वो कंबाइन भी करके एक्सप्लेन कहीं पे नहीं। तो डेटा स्टोर करोगे वो हो गया आपका लोडिंग ठीक है हाँ ठीक है तो ग्लू एक सिंपल ETL सर्विस है वेयर यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम समवेयर लाइक सोर्सेस कैन बी S3 विच इज नेचुरली इंटीग्रेटेड बाय AWS विद ग्लू ठीक है तो S3 तो एक हाईली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है ग्लू के लिए और देर आर अदर ऑप्शन विच यू कैन अवेल थ्रू कनेक्शन कनेक्शन करके ऑप्शन है ग्लू में बाई विच यू कैन मेक अ JDBC कनेक्शन यू कैन अवेल सर्विसेज लाइक RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस बाकी सर्विसेज के कनेक्शन बना के भी ग्लू में आप उसका प्रोसेसिंग कर सकते हो ठीक है वी विल सी दैट पार्ट इन डिटेल लेटर ठीक है जस्ट आपको जब अभी के लिए मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि देखो एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ समझो आपका एक ओरेकल इंस्टेंस पे डेटा है S3 में नहीं है अभी ओरेकल इंस्टेंस पे डेटा है तो आपको ग्लू में उसका स्कीमा क्रॉल करना है उसको उसका डेटा भी चाहिए आपको और उसको कहीं और डंप करना है ठीक है तो क्या करते हो आप आइदर वो ओरेकल को JDBC से कनेक्ट करते हो या फिर उसका RDS इंस्टेंस बनाते हो और उसका ग्लू में कनेक्शन बनाते हो ठीक है ग्लू में कनेक्शन बनाने के बाद यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द डेटा ऑल द टेबल्स इन योर ओरेकल डेटाबेस इनटू ग्लू और ग्लू जॉब से आप उस पर ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हो बाय रीडिंग इट एज अ डेटा फ्रेम ठीक है एंड उसको कहीं पे लोड भी कर सकते हो इट डज डिपेंड ठीक है तो S3 में भी लोड कर सकते हो या फिर अगर आपको और कोई सर्विस में लोड करना है लाइक DynamoDB एंड रेड शिफ्ट तो यू विल हैव टू मेक अ कनेक्शन विथ रेड शिफ्ट एंड DynamoDB S3 के साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत है क्या S3 एक टाइटली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है ग्लू के साथ उसके लिए सेपरेट कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये इतनी बात समझ लो अभी के लिए कुछ ऊपर से गया है सर के ऊपर से गया है तो लीव इट बाद में समझ में आ जाएगी ये सारी चीज सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्लू ठीक है तो एक मैनेज सर्विस है कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज सर्विस अभी हुआ था ये चीज मैनेज सर्विस मतलब सर्वरलेस ही है ना यार सॉर्ट ऑफ सर्वरलेस ही हो गया एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय AWS मोस्ट पार्ट बराबर यस बाय AWS ओके ये हो गया उसका एक फीचर इट इज अ मैनेज सर्विस अगर कोई कंपैरिजन पूछता है EMR के साथ दिस कैन बी योर पॉइंट इट इज अ मैनेज सर्विस एंड EMR इज नॉट EMR ऑल्दो EMR सर्वरलेस इज अ मैनेज सर्विस ठीक है तो इसका और एक फीचर है डेटा कैटेलॉग तो एक AWS डेटा कैटेलॉग करके एक फीचर है AWS में व्हाट डू यू मीन बाय कैटेलॉग ठीक है सिंपली एक ये सेंट्रल मेटा डेटा रिपोजिटरी है ठीक है तो क्या होता है AWS डेटा कैटलॉग में वी क्रिएट लॉजिकल डेटाबेस एंड लॉजिकल टेबल्स तो ग्लू में ना
कभी भी डेटा नहीं रहता है, ग्लू डजंट हैव एनी स्टोरेज, ठीक है। ग्लू इज अ ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, द डेटा रिसाइड्स इन योर स्टोरेज सर्विस लाइक S3, ठीक है। तो क्या करते हो, जब एक क्रॉलर करके ऑप्शन है ग्लू में, तो वो क्रॉलर से आप क्या करते हो, सिर्फ जो S3 में रिसाइडेड फाइल्स है या फिर जो भी फाइल्स है, ठीक है, उसका मेटा डेटा आप डिस्कवर करते हो। उसको बोलते हैं हम लोग स्कीमा डिस्कवरी, क्रॉलिंग में स्कीमा क्रॉलिंग भी बोल सकते हो उसको। तो व्हाट वी डू इज, बाय दैट मेटा डेटा डेफिनेशन, ग्लू क्रिएट्स अ डेटाबेस, यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, एंड फ्रॉम दैट मेटा डेटा इट क्रिएट्स अ टेबल, ठीक है। क्रॉलर ने जो मेटा डेटा क्रॉल किया है उससे ग्लू में टेबल बनता है, तो वो टेबल लॉजिकल होता है, इट डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मीन्स इट डजंट हैव एनी फिजिकल स्टोरेज, स्टोरेज इज इन S3 इटसेल्फ, ठीक है। तो डेटा कैटलॉग इज अ सेंट्रलाइज्ड मेटा डेटा रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग मेटा डेटा अबाउट डेटा सोर्सेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टारगेट्स। यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट लेटर, ठीक है। हम लोग एक एक चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटा डेटा, किसी को पता है मेटा डेटा क्या होता है, जस्ट बताओ। डेटा अबाउट डेटा सर, यस, वो तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कैन यू अबाउट इट। एलैबोरेट दैट पॉइंट, इट इज डेटा अबाउट डेटा, व्हाट डेटा अबाउट डेटा, व्हाट आर द सो व्हेन द स्पेसिफिक, डेटा, व्हेन द डेटा हैज बीन क्रिएटेड, या देन राइट क्रिएशंस, साइट, देन हाउ हिट्स, मेनी कॉलम्स आर देयर, ओके कॉलम्स, और यस, दिस ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉलम दैट टाइम्स स्कैन भी पर्टिकुलर, दिया, कॉलम या टाइम्स और क्या, हाउ मेनी कीज आर देयर इन दैट पर्टिकुलर डेटा, लाइक प्राइमरी कीज ओके ओके, और फॉरेन कीज। मतलब बोल सकते हो टेबल स्ट्रक्चर पूरा, पार्ट हाँ यस, ऑफ पूरा लाइक स्कीमा, इंडेक्सिंग, इंडेक्स जो रहता है लाइक इंडेक्सिंग, वो भी मेटा डेटा है, हेडर्स, ओके। और डेटा टाइप। कॉलम डेटा टाइप, कॉलम नेम्स डेटा टाइप, वो सब चीजें, क्रिएशन टाइम, वो ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है मेटा डेटा। एक आपको असाइनमेंट है, ठीक है, आप ना मेटा डेटा के बारे में थोड़ा पढ़ो, जस्ट गो थ्रू व्हाट इज मेटा डेटा, ठीक है। तो इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेके आओ एक बार, ठीक है। हमारी एक नेसेंट अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्कीमा मतलब ही मेटा डेटा होता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। थोड़ा मेटा डेटा को ना डेप्थ में पढ़ो, ठीक है। तो दैट इज योर होमवर्क, वो कर लो मेटा डेटा के बारे में। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना, कोई कितना भी समझाएगा नहीं समझेगा आप, तो मेटा डेटा के बारे में खुद पढ़ो, ठीक है। तो मेटा डेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, फॉर्मेट, लोकेशन ऑफ डेटा सेट्स, एज वेल एज डिटेल्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्कीमा डेफिनेशन, ठीक है। इसमें डिटेल्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ये के बाद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सर, ठीक है। कोई कुछ बोलना सर चाहता था, क्या हुआ, अरे बोलो। ठीक है, डिटेल्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के बाकी सब चीजें एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट, ठीक है। तो मेटा डेटा के बारे में ना थोड़ा डिटेल में पढ़ो कि व्हाट इट इंक्लूड्स, मुझे ना नेक्स्ट सेशन में समझाना, कोई भी, मैं रैंडमली पूछूंगा कि व्हाट इज मेटा डेटा, ठीक है। और एक और ऑप्शन है ग्लू में, ETL जॉब्स, मतलब जो आपकी ग्लू जॉब्स है, ठीक टोटल, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे ना आप ग्लू जॉब में लिखते हो सारे, तो ग्लू जॉब यू कैन राइट इन पाइस्पार्क और स्केला, ठीक है। दो लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये ऐसे, ठीक है। लेकिन ML के लिए शायद एक रे का एडिटर भी आया है, आई एम नॉट वेरी मच वेल वर्क विद इट, रे स्क्रिप्ट एडिटर कुछ है, वो नया फीचर है, हमारे लिए कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए इतना पता होना चाहिए, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे स्पार्क में, पाइस्पार्क, ठीक है। तो ETL जॉब्स है ना, ये ETL जॉब्स का फीचर है, तो इट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस टू डेस्टिनेशन, ठीक है। आप सिर्फ एक ग्लू जॉब से पूरा ETL परफॉर्म कर सकते हो।
ठीक है, तो यू डोंट नीड, मतलब आपको मेटा डेटा के लिए क्रॉलिंग करके, वो क्रॉल्ड मेटा डेटा को आप ब्लू जॉब में यूज करते हो, ठीक है। तो व्हेन यू आर रीडिंग एनी डेटा फ्रेम फ्रॉम S3 इन योर ब्लू जॉब, दैट एक्सप्लेन्स योर एक्सट्रैक्टिंग पार्ट। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग सर्टन ट्रांसफॉर्म्स लाइक फिल्टर, डेटा टाइप चेंज, डेट फॉर्मेट स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, लाइक रिमूविंग आउटलायर्स, मीन्स कोई कंडीशन लगा के आप इम्पॉसिबल वैल्यूज को ड्रॉप करते हो, नल ड्रॉप करते हो, ठीक है, नल फिलिंग करते हो, ठीक है। तो नल हैंडलिंग के बहुत सारे टाइप है, राइट? किसी को पता है क्या हाउ, व्हाट आर द वेज टू हैंडल नल्स डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट? कौन सी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है? किसी ने सोचा है क्या नल, नल्स के बारे में किसी ने सोचा है क्या? सिर्फ हम लोगों ने यही सोचा नहीं है ना कि नल को हर बार ड्रॉप किया जाता है। Needed the that only sir. No नहीं, sir, we have not जानता है performed वो anything. डजंट मैटर, लेकिन आपने कभी सोचा है क्या सिर्फ नल को हर बार आप एलिमिनेट ही करोगे क्या डेटा से? नहीं सर, एक एक्सट्रैक्ट करके वो फिर से क्लाइंट को पूछते हैं कि वहाँ पे कुछ वैल्यू है या नहीं, या उसको अपडेट करना है नॉट अवेलेबल या कुछ ऐसा. राइट। और कोई यूज केस, और कुछ करते हो नल के साथ आप? नल फिलिंग करके पता है किसी को? नल नहीं, हैंडलिंग, नो नल फिल करते हैं हम लोग नो ऐसे ना, देखो कोई यूज केस ले लो, लाइक एक रिटेल क्लाइंट ले लो, ठीक है, उसके लिए उसके हर रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है, तो इज देयर एनी सोल्यूशन इफ प्राइस ऑफ सर्टन आइटम इज मिसिंग टू फिल इट? अगर किसी सर, प्राइस, मीन एग्जैक्टली, वगैरह स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्म्स लगाते हैं हम लोग उसमें, नहीं. मीन मीडियन मोड जैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस लगाते हैं वहां, ठीक है। जस्ट क्यों क्यों लगाते हैं वो पता है क्या जिन्होंने बोला? हाँ सर, ताकि वो जो मिसिंग वैल्यूज है वो फिल हो सकता है, तो बाकी वैल्यूज के हिसाब वो फिल होंगे, लेकिन हम लोग कहीं की रैंडम वैल्यू क्यों नहीं डालते? व्हाई डू यू नीड टू इंसर्ट मीन मीडियन मोड? क्योंकि आप रैंडम वैल्यू डालोगे ना तो डेटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, राइट? जब किसी चीज का एवरेज डालोगे, एवरेज निकालना है आपको, तो अगर कोई रैंडम वैल्यू डालोगे उसमें तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा डेटा, राइट? इट विल नॉट प्रोवाइड यू करेक्ट इनसाइट। तो मीन मीडियन मोड जैसे जो भी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस है, दैट अवॉइड्स दिस डिस्टॉर्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ वैल्यूज को अवॉइड करता है। तो इसको नल फिलिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नल बहुत से, मतलब बहुत सी रिक्वायरमेंट और यूज केसेस होती है जिसको आपको ना, जिसमें आपको वो बहुत ज्यादा नेसेसरी फील्ड होते हैं, यू कैन नॉट ड्रॉप दोज फील्ड्स, तो उसमें ना आपको नल हैंडलिंग करनी पड़ती है। नल हैंडलिंग में इट डजेंट जस्ट इन्वॉल्व रिटर्निंग द डेटा टू क्लाइंट एंड क्लैरिफाइंग फ्रॉम द क्लाइंट, योर ETL ऑल्सो इन्वॉल्व नल फिलिंग, ठीक है। जस्ट कंसिडर दिस पॉसिबिलिटी वेन यू आर थिंकिंग अबाउट नल हैंडलिंग, ठीक है। जस्ट वही मुझे बताना था कि से हर बार नल को ड्रॉप नहीं करते हम। तो हाँ, तो ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करते हो उसमें, और वही डेटा फ्रेम को कहीं पे लोड करते हो, लाइक इन S3, ठीक है। तो ये ग्लू जॉब से आप पूरा ETL परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि बाकी फीचर की जरूरत क्या है फिर इसमें? जरूरत है, वो समझ में आएगी हम, ठीक है। आगे जैसे क्रॉलर की जरूरत समझ में आई क्या? क्या है क्रॉलर का मतलब, समझ में आया कि किसी को क्रॉलर क्या करता है? क्या बताओ? इट्स जस्ट अ प्रोग्राम दैट कनेक्ट टू डेटा स्टोर विच विल डिटरमाइन द स्कीम ऑफ डेटा यूजिंग द क्लासिफायर एंड द मेटा डेटा इन AWS कैटलॉग. यस यस, क्लासिफायर बोला आपने, यस राइट, ठीक है। क्रॉलर क्या है? बेसिकली स्कीमा डिस्कवरी का एक सिंपल टूल है, ठीक है। आपको स्कीमा क्या होता है, स्कीमा डिस्कवरी क्या होता है, ये स्कीमा इवोल्यूशन क्या होता है,
ये शायद स्पार्क में पढ़ा है आपने, स्कीमा इवोल्यूशन वगैरह, ठीक है, हम लोग वो कवर करेंगे बाद में, अभी के लिए वो कंसर्न नहीं है हमारा, बाद में देखते हैं उसको। स्कीमा डिस्कवरी क्या होता है, स्कीमा डिस्कवरी तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, स्कीमा इवोल्यूशन क्या होता है, हाउ टू हैंडल स्कीमा इवोल्यूशन एंड ऑल, वो देखेंगे हम आगे। तो ये जो आपकी स्कीमा डिस्कवरी है ना, मीन्स स्कीमा ऑफ योर, मतलब मेटा डेटा ऑफ योर टेबल्स दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स ऑन, ठीक है, वो क्रॉल करने का काम, वो उसको एक फिजिकल एग्जिस्टेंस देने का काम क्रॉलर करता है, ठीक है। व्हेन यू विल सी हम लोग क्रॉलर से क्या करते हैं और अथेना में कैसी क्वेरी करते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो क्रॉलर क्या है, ऑटोमेटिक इट ऑटोमेटिकली डिस्कवर्स द स्कीमा ऑफ योर डेटा स्टोर्ड इन वेरियस सोर्सेस एंड क्रिएट मेटा डेटा टेबल्स इन द डेटा कैटलॉग। इससे कुछ समझ में आया मैंने अभी जो बोला है, मैंने लॉजिकल टेबल्स बोला है, राइट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। तो क्रिएट मेटा डेटा टेबल्स इन डेटा कैटलॉग, व्हाट डज इट मीन, कि जो क्रॉल करते हैं ना हम लोग टेबल को, इट डजेंट इन्वॉल्व एनी फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डेटा इटसेल्फ, इट जस्ट क्रॉल्स द मेटा डेटा, ठीक है। और ग्लू में सिर्फ मेटा डेटा के टेबल्स बनते हैं, दोज आर लॉजिकल टेबल्स, एंड व्हेन यू ट्राई टू क्वेरी दैट डेटा, इट हैज अ स्ट्रक्चर विथ इट्स इट सेल्फ, इट जस्ट फेचेज द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन दैट मेटा डेटा, ठीक है। तो आप ग्लू में जाओगे, यू विल बी एबल टू सी सर्टन ऑप्शंस लाइक डेटाबेस, हाँ डेटाबेस बहुत सारे, देखो यहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स दिखेंगे आपको, ये देखो बहुत सारे टेबल्स दिखेंगे, ठीक है। दिस डजंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ डेटा एज सच, ठीक है। तो ये है क्रॉल्ड मेटा डेटा, इसको हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, इसको हम लोग एक्सेस करते हैं आइदर इन अथेना और इन ग्लू जॉब्स, ठीक है। इसको एक्सेस कैसे करना है अथेना में, वो देखेंगे हम, जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस चीज को, हम लोग रिविजिट करेंगे इन चीजों को, ठीक है, जो थियरी पढ़ी है उसको रिविजिट करेंगे, ठीक है। जस्ट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट ग्लू कैन डू, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिगार्डिंग क्रॉलर्स। अब आता है ट्रिगर्स, ट्रिगर्स एक ऑप्शन है। तो ट्रिगर, ट्रिगर से क्या समझ में आता है, डू यू नो व्हाट आर ट्रिगर्स? ट्रिगर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है जिससे कुछ समझ में आता है, पाइथन के टर्म्स में, सिक्वल के टर्म्स में कुछ ट्रिगर्स एक्चुअली समझ में आता है हमें। इट इज ऑटोमेटिक, इट इज द प्रोसेस विच ऑटोमेटिकली हैपन, इवेंट दैट ऑटोमेटिकली ऑकर्स व्हेन वी रन सम प्रोसेस. इवेंट ड्रिवन ओके, ऑपरेशंस, सॉरी, इवेंट ड्रिवन ऑपरेशंस, इवेंट ड्रिवन ऑपरेशन, यू कैन से दैट, नॉट जस्ट इवेंट ड्रिवन ऑपरेशन, बट ट्रिगर से हम लोग टाइम ड्रिवन ऑपरेशन भी होते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए इवेंट ड्रिवन इज ओके, ठीक है। तो क्या है ट्रिगर, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ चीज हो जाती है, उसके बाद दूसरी चीज करनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगर करना किसी चीज को। लाइक अगर समझो एक फॉर लूप लगाया है हमने, अगर 7 आता है, मतलब 1 to 10 में फॉर लूप चल रहा है हमारा, और व्हेन यू योर लूप अराइव्स एट नंबर 7, यू वांट टू रन अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 7 एज अ ट्रिगर, कंडीशन ऑफ इफ आई इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7 एज अ ट्रिगर टू स्टार्ट दैट फंक्शन। समझ में आया इससे कुछ कि कॉम्प्लिकेट हो गया इससे कुछ? नमस्ते. समझ आया ना? ट्रिगर मतलब क्या है, एक कंडीशन है बेसिक, जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। तो किसी भी वर्कफ्लो में शेड्यूलिंग के लिए ट्रिगर जरूरी है, मतलब समझो अगर मैंने 2 ग्लू जॉब लिखे हैं, ठीक है, एक ग्लू जॉब पहले मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूं मैं, और दूसरा ग्लू जॉब है, ठीक है, मुझे ऐसी डिपेंडेंसी बनानी है कि पहला ग्लू जॉब कंप्लीट हो तो ही दूसरा ग्लू जॉब ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा ग्लू जॉब स्टार्ट होना चाहिए, तो उसको ट्रिगर लगा सकते हो कि व्हेन डिपेंडिंग ऑन इट्स सक्सेस यू आर ट्रिगरिंग द सेकेंड ग्लू जॉब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस यस या नो, मतलब मुझे क्लियरली यस सुनाई दे। सर, ठीक यस सर, है, यस। हाँ। तो ट्रिगर क्या है? शेड्यूलिंग ऑफ ईटीएल जॉब बेस्ड ऑन टाइम और इवेंट। ठीक है, तो ट्रिगर में जो ऑप्शंस है, हम लोग जब ट्रिगर का ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे यू विल बी एबल टू सी इट। चलो अब भी दिखा देता हूँ एक बार। एड ट्रिगर जब करते हो ना, यू विल हैव सर्टेन ऑप्शंस लाइक दिस। ट्रिगर टाइप ऑन डिमांड, फायर द ट्रिगर इमीडिएटली व्हेन स्टार्टेड, ऐसे वैसे। शेड्यूल, फायर द ट्रिगर ऑन अ टाइमर। आप शेड्यूल कर सकते हो कल 11 बजे, परसों 11 बजे, परसों 12 बजे, या फिर कभी भी। तो ये टाइम ड्रिवन ट्रिगर हो गया। जॉब और क्रॉलर इवेंट, ठीक है, अगर कोई ग्लू जॉब कंप्लीट होता है तो ये फायर होगा, या फिर कोई क्रॉलर रन होता है तो ये फायर होगा। दिस थर्ड ऑप्शन इज इवेंट ड्रिवन ट्रिगर, दिस इज टाइम ड्रिवन ट्रिगर। ट्रिगर ये तो ऑन डिमांड है, तो जब आपको लगेगा वो ट्रिगर बना के रखोगे यू विल मैन्युअली रन। ठीक है, जब ये आप क्रिएट करोगे तब भी फायर हो जाएगा ट्रिगर। ठीक है, तो देर आर दिस ऑप्शंस दैट आर देयर। ठीक है, हमने ठीक है, ये समझ में आया। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं समझ में आया हमें। ट्रिगर से हम लोग जब वर्कफ्लो का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ना, विल इंक्लूड ट्रिगर्स, क्रॉलर्स, ग्लू जॉब, एवरीथिंग। तो एक वर्कफ्लो, इसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा आखिरी तक। विल हैव टू कवर ईच ईच सिंगल कॉम्पोनेंट इन आइसोलेशन फर्स्ट, देन ओनली विल बी एबल टू कनेक्ट दोज एज अ वर्कफ्लो। ठीक है, तब तक आपको उसकी यूटिलिटी या फिर आपको उसकी क्लैरिटी आने के लिए थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, डोंट जस्ट मतलब इतना ज्यादा टेंशन मत लो इस चीज का कि यार मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, तो आप जब परफॉर्म करेंगे ना, हम लोग जब इसको ट्रिगर क्रिएट करेंगे तब भी कुछ नहीं समझ में आएगा शायद। ठीक है, लेकिन हम लोग जब वर्कफ्लो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और वो ऑटोमेट होगा चीज, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिगर का इंपॉर्टेंस क्या आएगा उसमें। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो गई इनफ है। तो व्हाट आर कनेक्शंस, मैंने अभी बोला कनेक्शंस के बारे में। व्हाई डू यू नीड कनेक्शंस, किसी को समझ में आएगा ये कनेक्शंस क्यों यूज होते हैं ग्लू में? और इजी टू क्रिएशन एनी एनी जॉब मीन्स कंबाइन द मतलब डेटा। कंबाइन द डेटा। ओके, कैन यू एक्सप्लेन दैट पार्ट? हाउ डू यू कंबाइन द डेटा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस, यू आर राइट। अगर आप एक्सप्लेन अच्छे से करते हो तो कंबाइनिंग डेटा इज अ गुड आंसर। या गो अहेड। एक टेबल से दूसरा डेटा जब कंबाइन करना है, फेच करना है, तो एक टेबल के एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट करना चाहिए, लाइक प्राइमरी की और फॉरेन की, इस टाइप में। नो नो नो, नॉट दैट वे, नॉट दैट वे। ओके, ठीक है, कनेक्शन क्या है सर बताया क्या? एक्चुअली मतलब कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि सपोज ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं एंड उसको जब स्पार्क, मतलब जैसे अपन स्पार्क में करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वाला जो है, ये सर्विस वो दूसरे सर्विस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्शंस का यूज होता है। यस, मतलब इसके आखिरी वाली लाइन ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, पहले पहले वाला पार्ट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है आपके आंसर का। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू सर्टेन डेटा सोर्सेस और सर्टेन डेटा टारगेट्स, यू क्रिएट कनेक्शंस इन ग्लू। ठीक है, तो मैंने अभी बोला था कि आरडीएस से कनेक्ट करते हो, ओरेकल डेटाबेस का एग्जाम्पल दिया मैंने, इफ यू हैव डेटा इन ओरेकल एंड यस या। ठीक है, तो डेटा सोर्सेस के भी कनेक्शन बनाते हो, डेटा टारगेट के भी कनेक्शन बनाते हो। ठीक है, तो व्हेन व्हेन यू वांट टू कनेक्ट ग्लू टू एनी एक्सटर्नल सर्विस, एक्सटर्नल इंक्लूड्स अदर एडब्ल्यूएस सर्विसेज आल्सो एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर क्लाउड आल्सो। ठीक है, ये बात समझ में आई हमें? ठीक यस है, तो कनेक्शन मतलब वही है।
आपको आइदर एंट्री पॉइंट पे कुछ ऐड करना है या फिर एग्जिट पॉइंट पे कुछ ऐड करना है ग्लू के, ठीक है? तो ग्लू बीच में पार्ट है, उसके पहले कुछ ऐड करना है, उसके बाद में कुछ ऐड करना है, आप कनेक्शन से कर सकते हो। तो व्हाट व्हाट इट डज, इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन, टेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस कनेक्शन यूज्ड इन इट्स प्रोसेसेस। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक हो गया, ठीक है? मतलब सिर्फ क्रिएशन के बारे में बता रहे, यूटिलिटी के बारे में बता नहीं रहे। आई फॉरगॉट टू राइट अ सेकेंड पॉइंट हियर, ठीक है? क्या बोल सकते हैं हम लोग, टू एड अ डेटा सोर्स और डेटा टारगेट, ठीक है? ओके, ठीक है। व्हाट इज वर्क फ्लो? कनेक्शन समझ में आया ना सबको? मतलब एटलीस्ट लॉजिकल लेवल पे समझ में आया? अभी हम लोग जब कनेक्शन करेंगे हमें समझ में आएगा कि व्हाट आर द ऑप्शंस, जेडीबीसी से क्या डालना पड़ता है, जेडीबीसी में कनेक्ट करना है ओरेकल से, तो वो सब चीजें हमें क्लियर होंगी। एक 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 चीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तब, ठीक है? जस्ट आपको फीचर्स पता रहने चाहिए ग्लू के क्या है, ठीक है? इन ऑर्डर टू, जब हम लोग एक एक फीचर करेंगे ना, इफ आई रेफर टू सर्टन अदर पार्ट, यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा फीचर है ग्लू में। आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बोलूंगा क्रॉलर के बारे में, ठीक है? जब ग्लू जॉब पढ़ा रहा हूं मैं, तो क्रॉलर के बारे में बोलूंगा और आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा क्रॉलर क्या है। इसलिए मैं इस चीजों का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पहले, ठीक है? तो वर्क फ्लो क्या है? वर्क फ्लो एक क्या हो सकता है? वर्क फ्लो पढ़ के मत बताना यार, वर्क फ्लो क्या हो सकता है? ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड सुना है ना सबने, उसी दिन मैंने फिर से रिपीट किया था, ऑर्केस्ट्रेशन, शेड्यूलिंग, ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है? ऑर्केस्ट्रेशन मतलब यस, यस, शेड्यूलिंग ऑफ जॉब और डिफाइनिंग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, बहुत वे में डिफाइन कर सकते हो आप इस चीज को। ऑर्केस्ट्रेट करना मतलब कुछ चीजें एक वे में डिफाइन करना कि इसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद वो होना चाहिए, ठीक है? तो आप सिर्फ उसको डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट डिपेंडेंसी बट ऑल्सो डिफाइनिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। सो बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ डिफाइनिंग डिपेंडेंसी एज वेल एज डिफाइनिंग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है? तो इसमें वर्क फ्लो क्या है? वर्क फ्लो इज ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ बाई डिफाइनिंग सिक्वेंस ऑफ जॉब्स। ये पार्ट इंपॉर्टेंट, बाई डिफाइनिंग सिक्वेंस ऑफ जॉब्स ट्रिगर देन क्रॉलर्स। हमारे हमने समझा कि जॉब्स क्या है, ट्रिगर्स क्या है, क्रॉलर्स क्या है। हमने एक यूज केस भी देखा कि एक जॉब है, उसके बाद उससे एक दूसरा जॉब ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है? तो ये फुल एंड टू एंड चीज को हम लोग एक वर्क फ्लो बोलेंगे, समझ में आप? क्योंकि पहला जॉब, उसके बाद ट्रिगर, उसके बाद सेकंड जॉब, ये पूरा एंड टू एंड जो चीज है उसको हम लोग एक वर्क फ्लो बोलेंगे। एम आई मेकिंग सेंस, यस राइट? यस सर हाँ। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स पुट टुगेदर विथ डिफाइंड डिपेंडेंसीज एज वेल एज, चल लिख लेते हैं यार, मैं भूल जाऊंगा मेरी डेफिनेशन क्या बोला था मैंने अभी। ओके डिफाइनिंग डिपेंडेंसेस ओके, कंपोनेंट्स पुट, हेलो यस सर, व्हाट इज ऑटोमेशन देन? यार, ऑटोमेशन क्या होता है आपको? ऑटोमेशन तो पता होना चाहिए, मींस ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेटिक लाइक चीज, रनिंग रनिंग वन थिंग एट अ टाइम, समथिंग सॉरी, लाइक दैट. मींस रनिंग वन थिंग एट अ टाइम इज समथिंग. ऑटोमेशन यार, ऑटोमेटिक करना किसी चीज को मतलब क्या होता है बताओ? सर के इन दिस वर्क मैनुअल फ्लो इंटरफेरेंस के अलाव, मतलब विदाउट योर मैनुअल इंटरफेरेंस इट शुड ट्रिगर इटसेल्फ, इट शुड स्टार्ट ऑन इट्स ओन। समझो, आपको एक ग्लू जॉब है, दूसरा ग्लू जॉब है, आप मैन्युअली ट्रिगर नहीं कर रहे हो उस चीज को, वो कैसे ट्रिगर हो रहा है? यूजिंग दिस ट्रिगर ऑप्शन इन ग्लू।
तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है सर। डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस, राइट? दैट्स व्हाट वी कॉल ऑटोमेशन। सर ऑर्केस्ट्रेशन मीन्स ऑटोमेटिंग मेनी टास्क ना, राइट टू एग्जीक्यूट। तो सर हाँ बोलो। है ना ऑडिबल यस यू आर ऑडिबल। सर? ऑर्केस्ट्रेशन मीन्स लाइक ऑटोमेटिंग मेनी टास्क लाइक और लाइक फॉर वर्क फ्लो। सो इन ऑटोमेशन मीन्स द टास्क विल एग्जीक्यूट वन एट अ टाइम, दैट द थिंग। यार तुम सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में जा रहे हो अभी, ठीक है? तो ऑटोमेशन एक सिंपल टर्म है, तो आपने ये कहाँ से पढ़ा है ये डेफिनेशन? वैसे ऑटोमेशन क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को ऑटोमेशन पता है क्या? व्हाट इज ऑटोमेशन? नॉट इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इन जनरल ऑटोमेशन टर्म पता है आपको? चलो यस बाकी लोग हैंड्स डाउन करो, और कितने लोगों को ऑटोमेशन पता है ये बात? लोअर ऑल हैंड्स, अभी हैंड्स अप करो, ठीक है? पता है ना, ऑलमोस्ट सबको पता है ऑटोमेशन क्या है, ठीक है? एक हाँ बताओ, जिनका डाउट था वो बताओ, मैं समझा था फिर से, ठीक है? नॉट एन इशू, मैं समझा दूंगा फिर से। देखो एक एक बात सुन लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, पहले तो वर्ड टू वर्ड जाओ मत, ठीक है? ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटोमेशन में डिफरेंस क्या है, इतना डिटेल में मत जाओ यार, कि उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन देख ले, इतना डिटेल में मत जाओ। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स और व्हाट पर्पज इट्स सर्विंग, ठीक है? ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटोमेशन हम लोग अल्टरनेटिवली ही यूज कर रहे हैं, ठीक है? व्हेन यू आर ऑर्केस्ट्रेटिंग सर्टेन पाइपलाइन एंड यू आर रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरफेरेंस, यू आर ऑटोमेटिंग दैट पाइपलाइन। मेकिंग सेंस? राकेश आपने पूछा था क्या? यस हाँ, मैं मतलब ये चीज समझ में आ रही है, किसी को हम लोग किसी पाइपलाइन को हम शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है? आपको अभी एयर फ्लो नहीं पता है तो ठीक है, चलो एयर फ्लो जाने दो, अभी वर्क फ्लो देख लो ग्लू का। उसमें आप एक क्रॉलर रन कर रहे हो मैन्युअली, ठीक है? वो एक मैन्युअल एक्शन से आपके आगे के एक्शन ऑटोमेटिक ट्रिगर हो रहे हैं। लाइक एक क्रॉलर रन होने के बाद मेरा ग्लू जॉब ट्रिगर हो रहा है, उसके बाद मेरा ग्लू जॉब कंप्लीट जब होगा, फर्स्ट ग्लू जॉब विद यूज ऑफ ट्रिगर, आई एम ट्रिगरिंग अदर ग्लू जॉब, ठीक है? सो द एक्शन ऑफ रनिंग अ फर्स्ट क्रॉलर, ठीक है, यू हैव ऑटोमेटेड द होल पाइपलाइन, मीन्स यू हैव रिड्यूस द मैनुअल इंटरफेरेंस इन इट। ये सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेशन है, ठीक है? ऑटोमेशन में क्या करते हो, मैनुअल इंटरफेरेंस हटा देते हो बस, तो सर नथिंग। फिर ऑर्केस्ट्रेशन भी तो सेम ही है ना मतलब। यार वही तो बोल रहा हूँ मैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स है। व्हेन यू आर डूइंग द ऑर्केस्ट्रेशन यू आर अचीविंग ऑटोमेशन। अभी ये बोल सकते हो क्या शेड्यूलिंग और ऑर्केस्ट्रेशन में कुछ और डिफरेंस है आपको? ये मतलब ये लग मतलब ऐसा क्वेश्चन है क्या कि दो वर्ड क्यों है फिर, ऐसा लग रहा है क्या? तो हाँ सर मतलब कोई डिफरेंस क्या है? तो सेम ही शेड्यूलिंग और चीज ऑर्केस्ट्रेशन भी तो वर्ड है, राइट? देर आर डिफरेंट वर्ड्स, नुआंसेस में डिफरेंस है बस। देखो राकेश, मतलब एक सजेशन ले लो मेरे से यार, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों से। इससे कुछ सीख रहे हो क्या आप? मतलब ग्लू में कुछ इनपुट मिल रहा है क्या आपको? एग्जैक्टली, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन ना। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो फिगर आउट करो खुद से, ऐसा कुछ नहीं है, एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है यार। मैंने मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको बता दिया। इसके आगे अगर आपको एक्सप्लोर करना है आप करो, यू कैन टॉक टू मी, उसके बाद यस चलेगा। मैं और कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस करनी है तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट, लेकिन ज्यादा मतलब इसमें पढ़ो मत, टू बी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है? तो पढ़ते यस समय ना व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट टू इग्नोर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? कोई सर भी चीज पढ़ रहे हो ना, किस चीज पे फोकस करना है,
तो आप ना अपना समय बचा सकते हो बाय फोकस स्टडी, ठीक है। अगर हर चीज को पढ़ने जाओगे 15 घंटे में 1 घंटे का अचीव करोगे, कोई जो स्मार्ट वर्क कर रहा है ना वो 1 घंटे में वो चीज कर लेगा, तो आउटपुट तो 15 घंटे में सेम ही अचीव कर रहे हैं, राइट। तो बी स्मार्ट वॉट यू आर फोकसिंग अपॉन, ठीक है। नॉट दैट यू शुड नॉट गेट दिस डाउट्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसी चीजों पे ज्यादा फोकस मत करो। और ये चीज है ना, आपको ही बाद में जाके जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, व्हेन यू विल ऑर्केस्ट्रेट समथिंग ऑन योर ओन, यू विल ऑन योर ओन फिगर आउट कि एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आप मुझे बता देना और कुछ डिफरेंस होगा तो आगे, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट लिख रहे थे हम लोग, अभी मैं वो भूल गया, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पुट टुगेदर अलोंग विथ डिफाइंड डिपेंडेंसीज एंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये मतलब अगर कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं ना ये सेंटेंसेस, खुद के हिसाब से उसको मोल्ड कर लेना, ठीक है। मैं ऐसे फ्रेम करता हूँ चीजें, नॉट नेसेसरीली सबको करनी चाहिए, ठीक है। मुझे भी लगता है कभी कभी मैं कुछ सेंटेंस का फ्रेमिंग है ना कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसको डाइसेक्ट करना है और अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। सबको अपनी अपनी डेफिनेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। वर्क फ्लो समझ में आया सबको कि वर्क फ्लो विल इंक्लूड ऑल योर कॉम्पोनेंट्स लाइक जॉब्स, ट्रिगर, क्रॉलर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये जस्ट डिफाइंड सीक्वेंस है, इसके हिसाब से हम लोग सिर्फ उसको सॉर्ट ऑफ ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, जैसे हमने देखा पहले ही, एलिमिनेट द नीड नीड फॉर यूजर्स टू प्रोविजन और मैनेज अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो मैंने यहाँ पे एक कॉन्क्रीटली लिखी दिया ये पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसको डिफाइन कर लिया है, इसके आगे हम लोग सर्वरलेस आर्किटेक्चर को फिर से डिफाइन नहीं करेंगे कहीं पे। इफ यू वॉन्ट टू रेफर इट हियर, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर यूजर्स टू प्रोविजन और मैनेज अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हाउ डज ग्लू प्रोवाइड स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। स्केलेबल सॉल्यूशन है क्या ग्लू? स्केलेबल सॉल्यूशन है क्या ग्लू? यू डोंट नो, राइट, ठीक है। एक कोई भी क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम में अगर स्केलेबिलिटी अचीव करनी है तो कौन से वेज में कर सकते हो आप? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जनरली अभी हम लोग जो बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, जनरली वो हॉरिजॉन्टल होती है, राइट। यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, और यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर वर्कर नोड्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये कंबाइंड होती है जनरली, कि नॉट दैट एवरी टाइम यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इटसेल्फ, बट समटाइम यू ऑल्सो इंक्रीज द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर वर्कर नोड्स ऑल्सो। तो हाउ डू यू डू दैट व्हेन यू विल क्रिएट ग्लू जॉब? नाउ विल अंडरस्टैंड कि एक वर्कर नोड, एक 1 DPU पावर का वर्कर नोड है, एक 2 DPU का है, एक 4 DPU का है, DPU इज डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, एक 8 DPU का है, 16 DPU। तो ये हो गया आपका वर्टिकल स्केलिंग, और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे डिफाइन करते हो वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट। तो यू हैव दैट कैपेबिलिटी इन ग्लू। रिलायबिलिटी तो ऑटोमेटिक रिलायबल है, वो मतलब मुझे भी नहीं पता है कि वो रिलायबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हो। हाउ डू यू डिफाइन रिलायबल? कैन एनीवन हेल्प मी आउट, रिलायबल कैसा है? चलो चैट जीपीटी को पूछते नहीं तो। ओके
ओके, फॉल्ट टॉलरेंस है, ओके फॉल्ट टॉलरेंस से रिलायबिलिटी अचीव हो रही है, डेटा ड्यूरेबिलिटी, यस समझ में आ रहा है इस पॉइंट से, फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा ड्यूरेबिलिटी है। S3 की जो डेटा ड्यूरेबिलिटी है उससे ही हम लोग ग्लू को बोल रहे हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, डेटा कैटलॉग। किसी को समझ में आया क्या इससे कुछ? मुझे तो ऐसा सच नहीं समझ में, ये दो ही पॉइंट समझ में है, यस बताओ मुझे, समझाओ। यस सर, हाँ एक्चुअली वो फॉल्ट टॉलरेटेड है, आई मीन AWS फॉल्ट टॉलरेटेड है, तो अपन उसमें डेटा भी रख सकते हैं, करेक्ट। और ये जो सर्विस है ग्लू, वो भी तो AWS की है, एंड वो जो आप ड्यूरेबिलिटी बोल रहे हैं, तो 99 पॉइंट, मतलब वो 11 नाइन्स की ड्यूरेबिलिटी भी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स यस के बेसिस पे अपन रिलायबल रिलाय कर सकते हैं यस ग्लू ग्लू पे। यस, तो मेन पॉइंट तो इसमें ना मुझे फॉल्ट टॉलरेंस अगले, डेटा ड्यूरेबिलिटी तो S3 का फीचर है, फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या है पता है क्या? यू हैव रिट्राइज ऑप्शन इफ योर ग्लू जॉब फेल्स नाउ, यू हैव रिट्राइज ऑप्शन इफ देयर इज सर्टन फेल्योर रिलेटेड टू योर सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड प्रोविजनिंग बाय AWS इन फर्स्ट ट्राई, तो वो विद नंबर ऑफ रिट्राइज यू आर मिनिमाइजिंग दैट फॉल्ट, ठीक है, समझ में आया ये चीज? देखो यस कभी सर, भी एक ग्लू जॉब रन कर रहे हो आप, कभी ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सिनारियों में ऐसे हो सकता है कि AWS ने जो भी आपका बीइंग अ मैनेज सर्विस जो भी बैकग्राउंड इंफ्रा मैनेज कर रहा है वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया समझो फर्स्ट ट्राई में, ठीक है, तो वो ग्लू जॉब फेल हो गया, तो व्हेन इट रिट्राइज इट रीप्रोविजन्स एवरीथिंग व्हेन इट रिट्राइज, ठीक है, तो मतलब फेल्योर का चांस कम हो गया ना, ईच टाइम फेल होने का चांस कम हो गया, राइट, वैसे ही वो फॉल्ट टॉलरेंस इंश्योर करता है, समझ में आया क्या? यस सर, बाकी तो लोगों को नहीं रिट्राइज आया था करने से फेलियर का ये, चांस कम हो, मतलब मैसेज नहीं, सॉरी रिट्राइज कर मतलब ईच एंड एवरीथिंग इट इज रिट्राइज, यस वो उसकी वजह देखो से मतलब कि रिट्राइज फेलियर का इज नॉट चांस कम रिलेटेड हुआ, टू मतलब योर प्रॉब्लम्स इन योर ग्लू जॉब, राइट, ईच टाइम देखो आप ना कोई ऑन प्रेम सर्वर पे जब काम करते हो ना, तब बहुत बार सर्वर इतना ज्यादा एंगेज होता है, या फिर जब ऑन प्रेम तो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है आपका एक कोई डैग है एयर फ्लो में, समझो एयर फ्लो एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है, तो एयर फ्लो का एक प्रोविजन कैपेसिटी होगा, उस पे एक लोड का कैपेसिटी होगा उस प्रोविजनिंग के हिसाब से, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके आपका ग्लू जॉब अभी 6:38 में शुरू हुआ, ग्लू जॉब नहीं डैग शुरू हुआ 6:38 में, लेकिन अभी आपका एयर फ्लो सर्वर की कैपेसिटी नहीं है, तो इन दैट केस समटाइम इट फेल्स, ठीक है, लेकिन विथ नंबर ऑफ रिट्राइज वॉट हैपन्स इज इन 6:42 में सेकेंड रिट्राई आ रहा है, उस टाइम तक फ्री हो गया, तो योर डैग गेट सक्सेसफुली रन इन दैट रिट्राई, तो वॉट यू आर डूइंग इज अगर आप में रिट्राइज का ऑप्शन नहीं होता इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो फेल हो रहा है तो उसी को हम लोग रिजल्ट एज ए रिजल्ट मानते, राइट, मीन्स ड्यू टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग विदाउट योर ओन फॉल्ट इन योर ग्लू स्क्रिप्ट्स, ठीक है, आपका जॉब फिर भी फेल हो रहा है ड्यू टू AWS फॉल्ट, बट विथ रिट्राइज ऑप्शन यू आर मिनिमाइजिंग दैट पार्ट, एम आई मेकिंग सेंस? नहीं यस समझ यस यस सर, यूजिंग रिट्राइविंग इज ओनली द फॉल्ट टॉलर। Yes, you are achieving fault tolerance to an extent, right? समझ में आया क्या आपको? दादा साहब आप बोल रहे थे क्या अभी? ठीक यस यस सर, यस सर, एक्चुअली है मतलब आपने वो बोला था ना कि मतलब अपन रिट्राइव करते हैं, सो उसके बाद अपन मतलब कि जॉब फेल होने की चांसेस कम करते, तो उसमें मैं कंफ्यूज हुआ, रिट्राइव से जॉब जॉब। जॉब फेल होने के नॉट इफ इट इज योर फॉल्ट, राइट,
इफ इट इज AWS इज फॉल्ट, अगर AWS के इंफ्रा के प्रोविजनिंग की वजह से अगर आपका जॉब फेल हो रहा है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो नंबर ऑफ रिट्राइज से उसको आप मिनिमाइज करते हो। इफ देयर इज अ फॉल्ट इन योर ग्लू स्क्रिप्ट, वो तो फेल होना ही है, 1000 रिट्राई कर यस लो, इट्स योर फॉल्ट, यस इट्स योर फॉल्ट, तो यस उसका फॉल्ट टॉलरेंस तो AWS इंश्योर नहीं कर सकता है, राइट? यस यस ये फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ एनी सर्विस ऑफ AWS मतलब AWS की तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ये चीज अभी? ठीक है, चलो। ओके ठीक है, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे रिलायबिलिटी इससे अचीव करता है, ठीक है? तो लिख लेता हूँ मैं यार, पॉइंट लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ रिट्राइज, ठीक है चलो, ये दो ही पॉइंट मुझे अच्छे लगे उसमें से, बाकी तो समझ में भी नहीं और वेस्ट वेस्ट भी लगे। ठीक है, तो ये हो गया 9 फीचर्स, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ग्लू का। आखिरी पॉइंट है डेवलपमेंट एंड पॉइंट। तो क्या होता है, आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन ना, तो आपको एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है टू इंटरेक्ट विद AWS। AWS हैज दिस फीचर विद ऑलमोस्ट ऑल दी सर्विसेज, मेजर सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट एंड पॉइंट। तो क्या करता है, AWS एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक्स, वेयर यू कैन मतलब यू कैन सी द आउटपुट ऑल्सो। आपको पता है ना क्लाइंट मोड और क्लस्टर मोड, ये सब चीजें पता है, राइट? तो क्लस्टर मोड में आप इंटरैक्टिव वर्कलोड के लिए क्लाइंट मोड यूज करते हो, राइट? क्लस्टर मोड नहीं, क्लाइंट मोड, इंटरैक्टिव वर्कलोड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, किसी को पता है? तो इंटरैक्टिव वर्कलोड मतलब क्या है, पता है क्या? जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना किसी चीज का, ईच टाइम यू कैन नॉट गो टू क्लस्टर एंड चेक इट्स क्लस्टर लॉग्स, वहां पे जो भी लॉगिंग किया है आपने वहां पे देखना नहीं है आपको, समझो? तो व्हाट यू वॉन्ट इज योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट शुड शो यू द डेटा प्रोसेस एंड लॉगिंग पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है? मतलब अगर आप ग्लू में कोई चीज टेस्ट कर रहे हो या फिर डेवलप कर रहे हो, तो ईच टाइम वेन यू रन अ ग्लू जॉब, आपको जाके ग्लू जॉब के लॉग्स नहीं देखने पड़ने चाहिए, ठीक है? लेकिन ये जो डेवलपमेंट एंड पॉइंट है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। इट इट बियर्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है? तो डेवलपमेंट एंड पॉइंट्स एज सच मैंने तो यूज नहीं किया है कभी, ठीक है? तो एक बार यूट्यूब पे देख लो कि यूटिलिटी क्या है डेवलपमेंट एंड पॉइंट्स की, ठीक है? कैसे करते हैं उससे, ठीक है? मैंने यूज नहीं किया है तो मुझे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। आई नो कि हाउ वाई वाई डू यू नीड इट, इफ यू नीड अ इंटरेक्टिव सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट वेयर यू आर डेवलपिंग सर्टन थिंग्स एंड एक रन के बाद हर बार जाके आपको लॉग्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना जुपिटर नोटबुक में नीचे ही आउटपुट दिख जाता है, या फिर जेपलिन भी एक नोटबुक ही है, ठीक है? तो एक सॉर्ट ऑफ इंटरैक्टिव वर्कलोड एनवायरनमेंट मिलता है डेवलपमेंट एंड पॉइंट से, ठीक है? तो हम लोग आगे जब देखेंगे ना, हम लोग AWS को ना, AWS की सर्विसेज को अपने पाईचाम या फिर VS कोड में भी इंटीग्रेट करके देखेंगे। यू शुड बी एबल टू डायरेक्टली कनेक्ट टू AWS सर्विसेज यूजिंग योर VS कोड एंड पाईचा, ठीक है? तो वो भी देखेंगे आगे। तो नॉट नेसेसरली एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉइंट्स, बट देर इज अल्टरनेटिव वे बाई विच यू कैन अवॉइड यूज ऑफ इट, डेवलपमेंट एंड पॉइंट, ठीक है? अगर किसी को इसके बारे में अच्छी जानकारी है तो क्लास में शेयर करो, ठीक है? ग्रुप पे कोई अच्छा वीडियो मिलता है तो सबके लिए शेयर करो। एज इट इज इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, कोई पूछता भी नहीं है कहीं पे डेवलपमेंट एंड पॉइंट के बारे में। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे होंगे तो यू विल फिगर इट आउट, ठीक है? व्हाट इट इज, बाकी के पॉइंट ज्यादा याद रखो कि ग्लू जॉब क्या है, डेटा कैटलॉग क्या है, क्रॉलर्स क्या है, ट्रिगर्स क्या है, व्हाट आर कनेक्शंस, व्हाट इज वर्क फ्लो। हम लोग हर चीज को डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है?
तो हमने इसका ओवरव्यू तो ले लिया कंसोल का। तो इफ यू वांट टू प्ले अराउंड विद इट, थोड़े ऑप्शंस देखने हैं आज के लिए, देख लो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग विल गो पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग हर चीज को, ये जॉब्स का कंसोल है, जॉब्स का इंटरफेस है, तो हाउ टू क्रिएट जॉब्स, देर आर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक दिस इज विजुअल ऑप्शन, स्पार्क स्क्रिप्ट का एडिटर है, डायरेक्ट यू कैन डिप्लॉय योर स्पार्क स्क्रिप्ट हियर, एक ब्लैक कैनवास है, इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप अपने हिसाब से, पाइथन शेल स्क्रिप्ट एडिटर है, तो पाइथन का कुछ करना है आपको, पाइथन से ETL करना है तो वो भी कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक, यू नो दिस थिंग, दिस इज अ न्यू ऑप्शन, रे स्क्रिप्ट एडिटर, आई डोंट नो इट्स यूटिलिटी एज सच, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग के लिए वगैरह यूज करते शायद, आई डोंट नो मच अबाउट रे एज सच, तो लेकिन हमारे लिए एज सच यूजफुल नहीं, हमारा मेन काम है स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट सर्टन जॉब यूजिंग विजुअल यू कैन डू दैट, मतलब ग्लू के पास एक कैपेबिलिटी है यूजिंग विजुअल, नो इट क्रिएट सपोर्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है, विजुअल में आप जो भी इनपुट दोगे उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक आपको पाइस्पार्क या सेलर स्केला की स्क्रिप्ट देता है, ठीक है, यूजिंग दिस विजुअल ऑप्शन यू कैन डू दैट, ठीक है, विल सी दिस थिंग्स व्हेन वी आर क्रिएटिंग, व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग ग्लू जॉब, नो विल क्रिएट यूजिंग विजुअल ऑप्शंस एज वेल एज स्पार्क स्क्रिप्ट ऑल्सो, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग आज के लिए, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी सेशन था हमारा ग्लू का, अभी के लिए थोड़ा प्ले अराउंड कर लो ग्लू के इंटरफेस के साथ, व्हाट आर द ऑप्शंस, ट्राई टू सर्च क्या ऑप्शंस है, इसकी क्या यूटिलिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर लॉजिकल डेटाबेसेस, अगर लॉजिकल है तो मेटा डेटा क्या है, तो फिजिकल डेटा कहाँ पे रहता है, फिर उसका ये सब चीजें देखो, ठीक है, व्हाट आर कनेक्शंस, क्रॉलर्स क्या होते हैं, व्हाई डू यू नीड क्रॉलर्स, थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें देख लो, विल डेमोन्स्ट्रेट इट इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है, जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे चीजों को विल हैव अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टफ, चलेगा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और यू शुड रेफर टू द रेफरेंसेस आई हैव प्रोवाइडेड, ठीक है, तो उसके रेफरेंस लेके सिर्फ डू नॉट स्टिक टू व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, आपका होराइजन नहीं बढ़ेगा उससे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू कवर एवरीथिंग इन द क्लास राइट, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, सब चीजें कवर करना हमारे पास टाइम कम है, तो और कवर करने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो उस इंस्टेंस में जब तक आप खुद करके नहीं देखते हो ना, तब तक कुछ चीजें फिगर आउट नहीं होती है, तो ये यूट्यूब चैनल्स, नॉलेज एम्पलीफायर एक अच्छा चैनल है, शायद हिंदी में बताता है वो, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन अच्छे से बताता है वो, काफी चीजें अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, तो उसको देखो, जॉनी शिवर्स अच्छा चैनल है, उसकी इंग्लिश अगर समझ में आती है आपको, मुझे तो बहुत पसंद है जॉनी शिवर्स का डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता है चीजें, ठीक है, वो समझने में दिक्कत आती है, लेकिन 2-3 बार देख सकते हो आप, अगर नहीं समझ में आ रही है, परफॉर्म नहीं हो रही है चीजें, ठीक है, लेकिन मुझे तो काफी अच्छा लगा था, उसके 2-3 एंड टू एंड ट्यूटोरियल्स है, लाइक ब्लू EMR है, आई थिंक रेड शिफ्ट का भी है, अभी एक ऐड किया था उसने अथेना का भी है शायद, तो यू शुड वॉच जॉनी शिवर्स इफ यू कैन अंडरस्टैंड हिज इंग्लिश, ठीक है, इट इज वेरी इनसाइटफुल टू बी ऑनेस्ट, तो वो देखो जॉनी शिवर्स देखो, नॉलेज एम्पलीफायर बताया था, AWS ट्यूटोरियल्स करके चैनल है, AWS ट्यूटोरियल्स इज अ ब्यूटीफुल चैनल, उसमें बहुत ज्यादा वीडियोज है और उसमें एंड टू एंड पाइपलाइन के डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हर सर्विस रिलेटेड चीजें हैं उसमें, वो भी देखो, वो बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करता है उसमें, मैंने 3 वीडियो ही देखे थे कुछ चीजों के, तो मुझे अच्छे लगे थे, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दैट आल्सो, ठीक है, सबको समझ में आया रेफरेंसेस को कैसे एक्सप्लोर करना है, किस चीज के लिए, ठीक है, तो करो, शायद हम लोग कल सेशन नहीं ले पाएंगे, आई विल लेट यू नो गाइस इफ यू हैव सेशन टुमारो और नॉट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल सेशन नहीं होगा, मंडे को हम थोड़ा लॉन्ग सेशन लेंगे, मुझे छुट्टी है वैसे भी, तो हम थोड़ा लॉन्ग सेशन लेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम तक ना जो बैकलॉग में चीजें हैं ना वो अच्छे से कवर करो,
कवर करते समय ना सिर्फ डू नॉट स्टिक टू ओनली व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, ठीक है। तो अभी एक स्टेज आ जाता है कि पहले दिन थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया क्लास का, लेकिन जब सेकेंड इंस्टेंस में जाते हो और थोड़ी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसके बाद ना थोड़े वीडियोज वगैरह देखो, ये जो चैनल्स बोले हैं, योर अंडरस्टैंडिंग विल ग्रो, ठीक है। तो चलो, और कोई किसी के कुछ सवाल, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग यू कैन, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन हियर। हेलो सर, यस बोलो। सर जब हम EC2 क्रिएट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तब जो सबनेट आता है वो होता क्या है सर? सबनेट मैंने बोला था आपको VPC एक सर्विस है, उसके बारे में पढ़ने के लिए, तो मैं ना एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। आई विल नॉट टीच यू इन द क्लास, ठीक है, लेकिन आई कैन फैसिलिटेट योर वर्क एटलीस्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कहाँ पे है? हाँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है VPC पढ़ने की, लेकिन मैं क्या चीजें पढ़नी है वो बता देता हूँ, ठीक है। चलो, कोई भी VPC का वीडियो पकड़ लो एक, तो उसमें दिस सेक्शन, ये सेक्शन में क्या पढ़ना है? VPC पढ़ना है। व्हाट आर VPCs, व्हाट आर सबनेट्स, व्हाट आर राउट टेबल्स, इंटरनेट गेटवे, ये पहली चार चीजें। इसके बाद इलास्टिक IP तो मैंने क्लास में बता दिया था क्या होता है, ठीक है। एंड पॉइंट्स देख लो, व्हाट आर एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स और वो डेवलपर एंड पॉइंट्स थोड़ा डिफरेंट है, तो एंड पॉइंट्स देख लो और नैट गेटवेज देख, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? नैट गेटवेज, एंड पॉइंट्स और IG राउट टेबल्स, ये चार चीजें ना हम लोग रेट शिफ्ट कनेक्शन बनाएंगे ना, तब हमें यूजफुल होगी ये चीज, ठीक है। तो उस टाइम तक आप रेडी रहो, इसीलिए अभी थोड़ा VPC पढ़ लो खुद से, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट सर्विस नहीं है, ये नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट है बेसिक, ठीक है। इसमें कुछ भी ज्यादा, एक अगर मुझे कोई वीडियो मिलता है ना, क्रिएटिंग टू VPCs, क्रिएटिंग मल्टीपल सबनेट्स एंड सॉर्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है, तो अगर मुझे मिलता है ना तो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ। अगर उतना भी कर लिया ना आपने, तो वो बहुत हो जाएगा, आपको VPC की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, व्हाट आर सबनेट्स उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सॉर्ट ऑफ एक VPC एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है, एक लार्जर एंटिटी है, उसको एक सॉर्ट ऑफ VPC एक आइसोलेटेड नेटवर्क है, राइट। यू आर डिवाइडिंग दैट आइसोलेटेड नेटवर्क इनटू मल्टीपल पार्ट्स, लाइक देर आर रीजन्स ना AWS लेवल पे, मतलब दोनों का कोरिलेशन मत बनाओ, मतलब जस्ट रेफरेंस ले लो, मतलब एनालॉजी ले लो, कि रीजन में जैसे आपके अवेलेबिलिटी जोन होते हैं ना, वैसे ही VPC में मल्टीपल सबनेट्स होते हैं। जैसे VPC एक खुद एक आइसोलेटेड नेटवर्क है, दो सबनेट्स आर आइसोलेटेड इन देमसेल्व्स, समझ में आ रहा है? ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, तो व्हाट इट इंक्लूड्स यू शुड एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन, ठीक है। क्या क्या चीजें बोली है मैंने VPC में? व्हाट आर VPCs, व्हाट इज सबनेट, व्हाट आर राउट टेबल्स, व्हाट आर IGs मतलब इंटरनेट गेटवेज, इलास्टिक IPs देख लिया है हमने, एंड पॉइंट क्या है बेसिक समझ लो, और नैट गेटवेज, ठीक है। इसके अलावा ये फालतू की चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, मतलब करना है जिसकी इच्छा है वो कर सकता है, लेकिन नॉट वेरी मच नेसेसरी। समझ में आया ये चीज? मैंने लास्ट टाइम बोला था VPC एक्सप्लोर करो, लेकिन इतना डिटेल में जाके इंसिस्ट नहीं किया था आपको कि VPC देखो अब भी करो, तो आपको कल का शायद टाइम मिल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो VPC देख लो एक बार, ठीक है, देख लोगे, ठीक ओके है। सर, यस हाँ, तो VPC कवर कर लेना, पांच छह चीजें उसमें वो ही कवर करना, बाकी चीजें छोड़ दो, नॉट वेरी मच नेसेसरी। हमें नेटवर्क इंजीनियर थोड़ी ना बनना है, AWS नेटवर्क इंजीनियर नहीं बनना है, ठीक है। जो डेटा इंजीनियर के कनेक्शंस के लिए जरूरी है वही पढ़ेंगे, और ये कुछ भी आप करोगे नहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाके, ये सब चीजें प्रोविजेंट रहती है, लेकिन यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग टू डिबग, ठीक है, इसीलिए पढ़ लो एक बार। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो चीजें, इसीलिए क्लास में लेने में मतलब नहीं। इफ यू वॉच वीडियो फॉर ऑफ 1 आवर ना, यू विल हैव एन कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग। चलो, और किसी के कोई डाउट्स?
यस नेहा, आप कुछ बोलना चाहते हो? हैंड रेज है आपका। ओके चलो, सर हाँ बोलो। वो बिलिंग वाले जो ऑप्शन है AWS में, तो उसमें पेमेंट्स वाला जो ऑप्शन है, तो उसमें नो पेमेंट्स ड्यू है, मतलब हमारा कुछ तब आपका वो बिल जनरेट नहीं हुआ है ना अब तक? बिल्स में 0.72 USD ऐसा लिखकर आ रहा है उसमें। हाँ, लेकिन आपने बिल भरा है क्या अब तक? बिल आया है क्या आपका? महीना हो गया है क्या आपको बना के? ड्यू, नहीं, मैंने नहीं बोला। नो पेमेंट्स ड्यू, ड्यू ड्यू पेमेंट्स का मतलब क्या होगा? अगर आपने कोई बिल नहीं भरा होगा, राइट, आपका बिल ही जनरेट नहीं हुआ है तो नो पेमेंट्स ड्यू ही आएगा ना। आपकी बिल इंफॉर्मेशन करंट मंथ के लिए यहाँ पे आती है, ठीक है? तो ये एक बिलिंग साइकिल मंथ का है इसका। ये देखो, बिलिंग पीरियड क्या है? 1 सितंबर टू 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद आपको कल शायद ये वाले बिलिंग डिटेल्स चले जाएंगे, ठीक है? नया ये रिफ्रेश हो जाएगा और आपका बिल जनरेट होगा, तो उसको ड्यू रहने दो कुछ दिन के लिए। कुछ कुछ नहीं आता है, एक नोटिस आता है मेल पे कि नेक्स्ट महीने का भर दो बिल, ऐसे वैसे। 2 महीने तक कुछ नहीं करते वो, 2-3 महीने तक, ठीक है? तो अभी के लिए तो टेंशन मत लेना, कुछ बिल आ गया होगा तो 2 महीने का कर लेते अपन थोड़ा प्रैक्टिस, उसके बाद वो वेव ऑफ कर लेंगे आगे, ठीक है? लेकिन ऐसे इररिस्पॉन्सिबल यूज मत करना बस, कि भाई चलो वेव ऑफ हो जाएगा, ऐसा मत करना। कि मैंने देखा है बहुत लोग इतने क्रॉलर रन किए लोगों ने, मतलब मेरे साथ के लोगों ने 80-80 हज़ार तक बिल आया है लोगों का, उनको पता ही नहीं उनका क्रॉलर चल रहा है, ठीक है? तो ऐसी चीजें मत करो, बी रिस्पॉन्सिबल। क्या बोलते हैं, डी प्रोविजनिंग में ध्यान दो, कोई भी चीजें क्लीन अप करने में ध्यान दो, ठीक है? चलो, और क्रेडिट्स के लिए वगैरह कहीं पे ढूंढो यार, बहुत जरूरी है क्रेडिट्स, ढूंढो कहीं पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। आपको पैसा बचाना है खुद का, तो क्रेडिट्स ढूंढो। अगर किसी को मिलता है, डोंट बी सेल्फिश, शेयर करो बाकी लोगों के साथ, और इंफॉर्मेशन हेलो भी सर, शेयर हेलो करो कि कैसे अप्लाई कर। हाँ बोलो। क्रेडिट शेयर कर सकते हैं क्या सर दूसरे के अकाउंट में से? नहीं, क्रेडिट शेयर नहीं कर सकते। हाँ, आई सजेस्ट यू क्या करना है। तो आपका जो AWS अकाउंट है, समझो विकास आपने पूछा है कि, हाँ सर, हाँ विकास, अगर आपको समझो कुछ क्रेडिट्स आ गए ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट वन यूजर। अगर समझो विकास को आदित्य को देना है एक, तो व्हाट यू कैन डू इज यू क्रिएट वन यूजर विद आदित्यस नेम, गिव हिम द क्रेडेंशियल्स फॉर इट, ठीक है? तो वो अकाउंट तो आप ही का यूज करेगा, रूट यूजर आप ही रहोगे उसका, लेकिन ही विल बी एबल टू एक्सेस टू ऑल द सर्विसेज। तो यूजर का एक्सेस दे दो, आपके पासवर्ड्स वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो हाँ व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट मल्टीपल यूजर्स, जिसको जिसको देना है उसके लिए एक यूजर दे दो और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दो, बस वो सब चीजें कर पाएगा फिर, समझ? नो, हाँ बोलो। मुझे आ गए कुछ कितने आए क्रेडिट? 300 डॉलर। यस, मतलब आ रहे हैं यार, आएंगे आएंगे, देख लो। अच्छा है, एक तो गुड न्यूज मिली हमें कि आ रहे क्रेडिट्स, मतलब बाकी लोगों को, कितने लोगों को रिजेक्शन का मेल आया है वैसे? एक्सप्लिसिट सॉरी, रिजेक्शन निश्चिन्ह का मेल आया है क्या? में मुझे रिजेक्शन का मिला है। हाँ, मतलब देखो यार, ये तो मतलब देखो सबने सेम ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हमें पता नहीं है किस बेसिस पे रिजेक्शन होता है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है इसमें, ये रैंडम है। कैसा है ना, ये POC क्रेडिट्स है ना, वो वीकली डिसबर्स करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ लॉटरी है ये। अगर वो लोग एक बेसिक ये करते हैं, चेक करते हैं कि क्रेडिबल एप्लीकेशन है या नहीं, उसके बाद उनके पास में अगर 50 स्लॉट्स होंगे POC डिसबर्सल के, तो और एप्लीकेशन 1,000 होंगे, तो वो देंगे कैसे ना? क्रेडिबल उनके फिल्टर के बाद भी 1,000 एप्लीकेशन होंगे, तो वो सॉर्ट ऑफ लॉटरी जैसे ही है, आईपीओ का जैसे लॉटरी मिलता है ना, वैसा ही है। तो अगर फिर से अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा शायद। आई डोंट नो, ट्राई करो यार,
ट्राई करो, जैसे तो होता उसमें है अप्लाई कर सकते हैं सर देखो, उसको। हर महीने ट्राई मतलब हर हफ्ते ट्राई करके देखो, क्या ही जाएगा, पैसा तो जा नहीं रहा है, लेकिन शायद एक बार रिजेक्ट हो गया तो चांस तो कम है, ठीक है, लेकिन ट्राई करो, ट्राई करो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फीस तो है नहीं, अप्लाई करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो समृद्ध आप, आपको आया है ना समृद्ध? यस यस। तो आपने कुछ अलग अप्लाई किया था या अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, ऐसा कुछ नहीं है ना? जो अपना ये था डिस्क्रिप्शन था अबाउट अबाउट द प्रोजेक्ट, वो थोड़ा और डिटेल में लिखा था। हाँ, वो तो मैंने बोला था आपको कि आप चैट जीपीटी से बना लो थोड़ा डिस्क्रिप्शन, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब उससे मुझे नहीं लगता है कि वो एक क्राइटेरिया है रिजेक्शन का, ये लॉटरी है यार, सॉर्ट ऑफ लॉटरी है। हम लोग आने के बाद जस्टिफाई कर सकते हो उसको, लेकिन आई डोंट सी कि ऐसा कुछ रीजन है। मैंने ना बहुत लोगों के डिस्क्रिप्शन लिख के दिए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट कितने लोगों ने तो सेम ही डिस्क्रिप्शन लगाए थे, ठीक है, कुछ लोगों को आए, कुछ लोगों को नहीं आए। आई हैव ऑल्सो अप्रूव सर $300। ओके ओके ओके। और कितने लोगों का है $300? सर मुझे हैंड आए रेस कर लो, हैंड रेस कर लो बस। नहीं है कि 11 लोग और कोई है? एक काम करते हैं हम लोग, मैं ना एक शीट फ्लोट कर देता हूँ, एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं, तो एक मैं ना आप में ना मुझे खुद के डिटेल्स दे दो यार, सब लोग जितने हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है ना, तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ एक शीट, उसमें आपके नाम अपडेट करो, एंड इफ यू हैव गॉट द क्रेडिट्स ना मेंशन करो कि क्रेडिट्स क्रेडिटेड करके कुछ तो ऐसे डालो, ठीक है, आइदर $300 या फिर $0, ऐसा कुछ भी डाल दो, ऐसा एक कॉलम बना के, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कोऑर्डिनेट अमॉन्ग आर सेल्व्स कि बाकी लोगों को कैसे देना है, और ये मत सोचो कि मुझे $300 क्रेडिट्स आए तो मैं इतने यूज करूंगा, नहीं होते इतना यूज, मैं बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस से, बिल्कुल यूज नहीं करते हो, सारे के सारे क्रेडिट एक्सपायर हो जाएंगे, 6 महीने की वैलिडिटी है, आप नहीं यूज करो, ठीक है। तो इट इज बेटर टू शेयर विद अदर्स, चलेगा? तो किसी को दिक्कत होगी शेयर करने में तो दे कैन टेल कि नहीं यार मुझे नहीं शेयर करना है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप शेयर कर लो बाकी लोगों में, ठीक है। और जिनको नहीं आया ना, रिजेक्शन हुआ है, तो वो लोग बिना अप्लाई करो फिर से, ठीक है, फिर से अप्लाई करो, हर हफ्ते अप्लाई करो, जब तक नहीं आते तब तक अप्लाई करते रहो, चलेगा? तो हम लोग, हेलो मैं शीट हेलो डाल देता सर, हूँ। यस बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, वो अप्लाई करते समय मतलब एक ही ईमेल आईडी से करना है या अलग अलग मतलब ईमेल आईडी बनानी पड़ती है? अरे एक ही से करो, एक ही अकाउंट है ना आपका? हाँ, एक ही अकाउंट है, बट वो री अप्लाई करते वक्त अलग अलग से करने का। यार ये मतलब ट्रायल एंड एरर है, हमें कुछ पता नहीं है ये भी चीजें कि अलग से करना है या एक ही से करना है, ट्राई करो अभी, हर हफ्ते ओके करो, ओके आता है तो आने दो, ठीक है, हमें पता नहीं यार इसके बारे में, कुछ भी नहीं पता है, और टू बी ऑनेस्ट ये लॉटरी है, आपको अगर आ गया तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, ठीक है। हेलो सर, यस आई बोलो डोंट प्राची। हैव अ रिजेक्शन मेल आल्सो, शैल आई वेट और रीअप्लाई? वेट करो वेट करो, आएगा रिजेक्शन आएगा या फिर आपको क्रेडिट्स आ जाएंगे, जिनको मैंने बोला रिजेक्शन आ गया है वो लोग रीअप्लाई कर दो बस, ओके थैंक यू। ठीक है। चलो हम लोग एंड करते हैं सेशन अभी, किसी का कोई कंसर्न, कोई डाउट? सर एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन करना था, अथेना का जब हमने एसक्यूएल और पाइसपर का किया था ना नोटबुक पे, दोनों के ऊपर क्यूरी, तो वो हमने बकेट्स क्रिएट किए थे वहाँ पे, सीएसवी फाइल डंप किया था, तो द बकेट विल बी क्लोज और वैसे ही रहा तो क्या कॉस्ट इनकर होगा क्या? मीन्स क्या क्या
मीन्स कॉस्ट उससे इनकर होगा कि बकेट क्रिएट किया है, उसमें फाइल डम किया है ना एक्चुअली, तो वो तो वैसे रह गए आपको तो ओके S3 का फ्री टियर लिमिट देख लो। ओके 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 हाँ, हमने ये अंडरस्टैंड क्लास में बताया है प्राची ओके सर कि अंडरस्टैंड फ्री टियर एक्चुअली लिमिट हाँ इज हाँ S3 एक्स में जीबीज ठीक है। ओके इफ यू हैव फाइल साइज मोर देन एक्स नंबर ऑफ जीबीज, एक्स आप फाइंड आउट करोगे घर जाके अभी, तो वो 1 GB के अगर आपका ऊपर नहीं है तो यू विल नॉट इनकर एनी कॉस्ट। ओके ओके थैंक ठीक है, चलो थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय गाइस। कल पढ़ लो यार, VPC पढ़ लो बस। बाय बाय, बाय हैव अ सर, ग्रेट वीकेंड, बाय बाय। सर।